तीसरी बात है, श्रेष्ठ दृष्टि से श्रेष्ठ स्थिति बनती है। कहते हैं नजर बदली तो नजारे बदलते हैं। जब हमारी दृष्टि आत्मिक दृष्टि होती है, रूहानी दृष्टि होती है, सिविलाइज दृष्टि होती है, तो सामने वाले व्यक्ति सुकून महसूस करते हैं। और जिनकी दृष्टि बहुत ऊंची होती है, उसका लोग दृष्टांत भी देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा की दृष्टि बहुत ऊंची थी, जिस कारण बाबा किसी बच्चे का अवगुण, किसी भी बच्चे की कमी कमजोरी नजर नहीं आती थी। उसके कारण बाबा सभी पर प्यार ही बरसाते थे। दुनिया में कहते हैं, दुनिया वाले लिखते हैं कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हम तो ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे हैं, ब्राह्मण कुल के ऊंची शान है। ऐसे ऊंचे ब्राह्मण कुल वाले हम बच्चे हैं तो उनके बोल भी ऐसे सुखदाई हो, प्रेरणादाई हो, वरदानी हो, उनकी दृष्टि भी ऐसी निर्दोष दृष्टि हो। तो ऐसी निर्दोष दृष्टि से स्वतः ही हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती जाती है।